हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सनस्क्रीन को लगाने के फायदे। जी हाँ, धूप हो या ना हो, हमें सनस्क्रीन लगाने की आदत सी पड़ जाती है। कई लड़कियाँ बिना सनस्क्रीन लगाए घर से बाहर कदम तक नहीं रखती हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। सनस्क्रीन लगाने के कई फायदे होते हैं। इससे धूप की किरणें जो हमारे शरीर पर अनियमित तरीके से हार्म पहुंचाती है, उससे भी आपको निजात मिलती है। सूरज की यूवी ए और यूवी बी किरणें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं। ये हमारी स्किन को काला भी करती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि धूप में निकलते ही उनकी बॉडी पर और उनके चेहरे पर रेड कलर के स्पॉट्स आने लग जाते हैं। इसलिए आप सनस्क्रीन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मार्केट में आजकल बहुत सारी सनस्क्रीन अवेलेबल हैं जो कि ब्रांडेड होती हैं, लेकिन वे सारी सनस्क्रीन केमिकल बेस्ड होती हैं, जिनका इस्तेमाल करने से आप धूप से तो बच जाती हैं, लेकिन आपकी त्वचा को बहुत ज़्यादा केमिकली इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन अब आपको इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे घर की कन्वीनियंस पर अपने लिए सनस्क्रीन को तैयार कर सकती हैं। टिप नंबर 1 है सनस्क्रीन ऑयल रेसिपी। यह रेसिपी एक सनस्क्रीन को ऑयल बेस्ड बनाती है। इसको बनाने के लिए आपको आधा कप नारियल का तेल, 15 बूंदे ऑलिव ऑयल और 7 बूंदे कैरेट सीड के ऑयल की चाहिए होंगी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक रंगीन कांच की शीशी में भर लीजिए और ज़रूरत पड़ने पर या फिर धूप में जाने से पहले भी आप इसे अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन की तरह अप्लाई कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे रंगीन कांच की शीशी में ही भर के क्यों रखें? वो इसलिए क्योंकि रंगीन कांच की शीशी में भरने से यह लंबे समय तक हवा और धूप के संक्रमण से बचेगा, साथ ही साथ लंबे समय तक खराब होने से भी बचेगा। टिप नंबर 2 है बटर प्रूफ सनस्क्रीन। इसे बनाने के लिए 1/4 कप विविक्स, 2 चम्मच जिंक ऑक्साइड और 15 बूंदे कैरेटिन सीड ऑयल लीजिए। इन सब सामग्रियों को मिक्स करके एक बॉटल में भर के रख लीजिए और इसे धूप में निकलने से पहले अपनी बॉडी पर अप्लाई कीजिए। ऐसा करने से आपकी स्किन धूप में होने वाले संक्रमण से तो बचेगी ही साथ दमकना भी शुरू कर देगी। टिप नंबर 3 है एलोवेरा सनस्क्रीन। इसे बनाने के लिए आप 1 कप एलोवेरा जूस, उसके अंदर 1/6 कप एवोकाडो ऑयल, 15 बूंदे कैरेट सीड तेल और थोड़ा सा मिला तेल मिक्स कर लें और इसे अपनी बॉडी पर लगाएं। यह सनस्क्रीन आपकी बॉडी को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगा। टिप नंबर 4 है शेयर बटर सनस्क्रीन। यह सनस्क्रीन एक क्रीम के फॉर्म में होगा। इसे बनाने के लिए आपको 1/2 कप शेयर बटर, 1/3 कप नारियल का तेल, 15 बूंदे कैरेट सीड ऑयल और थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड चाहिए। इसे मिक्स करिए। सबसे पहले पिघले हुए नारियल के तेल में शेयर बटर को मिक्स करिए और इसे चलाते रहिए। उसके बाद बाकी की बची सामग्रियों को भी इसमें ऐड करें और चलाते रहें, जब तक यह एक क्रीम का टेक्सचर ना ले ले। उसके बाद जब यह एक क्रीम तैयार हो जाए, उसे यूज़ कीजिए ताकि आपकी बॉडी को सूरज की हानिकारक किरणों से निजात मिल सके। टिप नंबर 5 है SPF। शेयर बटर के अंदर आपको अच्छी खासी SPF की क्वांटिटी मिल जाएगी, जो कि SPF 6 तक जाती है। वहीं नारियल तेल में यह SPF 10 होता है, एवोकाडो में SPF 8 और कैरेट सीड ऑयल में SPF 40 तक होता है, जो कि हमारे त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आप घर बैठे ही अपने लिए सनस्क्रीन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त देती हूँ।